डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, री की मात्रा, पेज नंबर 46। क्या होती है री की मात्रा? री ऋषि। हम पढ़ते हैं ना स्वर व्यंजन, पढ़ते हैं ना हम लोग वर्णमाला, तो वर्णमाला में री ऋषि का जो आता है ना, री ऋषि का आपको मैंने मात्राएं सिखाई है ना, उसमें जो री ऋषि का रहता है उसकी मात्रा कैसे लगती है? री की मात्रा नीचे, वर्ण के नीचे लगती है। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है और इसका उच्चारण हम री करते हैं, है ना, ये वर्ण के नीचे लगती है। निकाला आप सभी ने पेज नंबर 46। ओके, जैसे कि वृक्ष, हमें लिखना है वृक्ष, है ना, हम बोलते हैं वृक्ष है, लेकिन वो होता क्या है? वृक्ष। क्या होता है वो? वृक्ष। देखिए यहाँ देखिए किसका पिक्चर है, ये वृक्ष। तो हमने मात्रा क्या कहाँ लगाई? यहाँ वृक्ष के नीचे। जैसे यहाँ पर किसका पिक्चर है? वृक्ष का, है ना, तो हमने हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? वृक्ष, व के नीचे री की मात्रा। उसी तरह से है किसका पिक्चर है? नृप। नृप मतलब राजा, तो न के नीचे हमने ऐसे मात्रा लगाई, तो क्या है ये? नृप। देखिए बुक में आपके है ना, नृप, नृप, ठीक है। फिर है मृग, किसका पिक्चर है ये? मृग। क्या होता है मृग? मीन्स हिरण। तो हमने म के नीचे ऐसे री की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया ये? मृग। क्या बन गया ये? मृग। अब देखिए किसका पिक्चर है ये? तृण। क्या है यहाँ पे? तृण। तो त में ऐसे लगाना, तो क्या बन गया ये? तृण। तृण में तिनका, है ना। फिर किसका पिक्चर है देखिए जरा बुक में? कृषक। किसका पिक्चर है? किसान का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृषक। तो यहाँ पर री की मात्रा क के नीचे लगी है ना, इस तरह से, तो क्या बन गया ये? कृषक, है ना। तो जो री की मात्रा है रहती है वो वर्ण के नीचे इस तरह से लगती है ना, तो उसका उच्चारण भी हम क्या कहते हैं? री। जैसे तृण, वृक्ष, नृप, मृग, कृषक, है ना। तो इसे यहाँ पे और भी शब्द है, पढ़ो और बोलो। तो जैसे गृह, घृत, कृति, कृषि, मात्र, पितृ, अमृत, आकृति, है ना, तो ये सारे वर्ड हम पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 46 निकालिए। बच्चों आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ फूलों के बारे में, है ना। आपको पता है ना फूलों से क्या क्या बनता है? फूलों से माला बनती है, गुलदस्ता बनता है, और फूल का किस चीज़ में काम आते हैं? भगवान को चढ़ाने में काम आते हैं फूलों से। और क्या बनता है? परफ्यूम बनता है ना। तो आपके पेज नंबर 45 पे देखिए, हमारी बगिया, है ना, हमारी बगिया। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पर उनके पिक्चर्स दे रखे, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा फूल है, है ना, कि कौन से फूल का कलर कैसा है, ये कौन सा फ्लावर है, पहचान सकते हैं क्या? चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है, तो बगिया में फूल तोड़ना मना होता है ना। फूल तो सभी को पसंद होते हैं, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से फूल है? सूरजमुखी का फूल है, गुड़हल का फूल है, गुलाब के फूल है ना, चंपा के फूल है, गुलदाउदी का फूल है ना, कितने सुंदर फूल है यहाँ पे, लिली के फूल है ना, दिख रहे हैं आपको सभी, देख रहे हैं आप लोग सभी, और डहेलिया का फूल है, फिर गेंदा का फूल है ना, कितने सारे फ्लावर्स हैं यहाँ, और ये सारे फूल हर किसी न किसी चीज़ में हमें काम आते हैं ना, जैसे भगवान को भी चढ़ते हैं, परफ्यूम भी बनता है ना। और एक काम करना आप लोग, अपनी कॉपी में भी जो आपको पसंद है वो फ्लावर का पिक बनाना, ओके।
चलिए अब हम पढ़ेंगे री की मात्रा, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46, री की मात्रा। री ऋषि की मात्रा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि री की मात्रा ऐसे नीचे लगती है वर्ण की, है ना, इस तरह से। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि कौन कौन सी ऋतु होती है। सर्दी की ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है और बरसात की ऋतु होती है ना। तो हम री ऋषि से क्या क्या बनता है पहले वो देखते हैं। री ऋषि से ऋषि, फिर री से ऋचा, री से ऋचा, री से ऋक्ष, फिर री से ऋषभ, है ना। तो अब हम पहले देखेंगे कि ये जो मात्रा लगती है ना री की, ये वर्ण के नीचे लगती है और हम उसका उच्चारण किस तरह से करते हैं। ठीक है, फिर हम इसे शब्द भी बनाएंगे। देखिए ये क्या है, वृक्ष, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, वृक्ष, क्योंकि व के नीचे री की मात्रा है तो री का उच्चारण कैसे करेंगे, वृक्ष। क्या बनाइए, वृक्ष। फिर नृप, न के नीचे री की मात्रा है ना, तो ऐसे क्या पढ़ेंगे, नृप। फिर है मृग, किसका पिक्चर है ये, मृग, तो मृग कैसे लिखेंगे, म के नीचे मृग। फिर तृण, तृण का पिक्चर है तो तृण। फिर कृषक, क्या है ये, कौन है ये, कृषक। ठीक है, चलिए अब पढ़ो और बोलो, पढ़ो और बोलो। अब ये ग में दी की मात्रा है तो क्या बन गए, गृह। क्या पढ़ेंगे इसको हम, गृह। और ये घ के नीचे री की मात्रा है तो घृत। फिर क के नीचे री की मात्रा है तो कृत, तो कृति। क्या पढ़ेंगे इसको, कृति। फिर क्या है, कृषि, कृषि है ना, श में छोटी की मात्रा, क में री की मात्रा, कृषि, कृषि। मातृ, मातृ। फिर पितृ, क्या पढ़ेंगे इसको, पितृ। फिर अमृत, क्या पढ़ेंगे इसको, अमृत, क्योंकि म के नीचे री की मात्रा तो अमृत। फिर आकृति, क के नीचे री की मात्रा तो आकृति, है ना, मातृ, पितृ, पितृ, सॉरी पितृ, अमृत, आकृति। ठीक है, आया आपको उच्चारण, गृह, घृत, कृति, कृति, कृषि, मातृ, पितृ, अमृत, आकृति। ठीक है, चलिए पेज नंबर 47 निकालिए। बोलो और लिखो। प्रश्न नंबर 1, बोलो और लिखो, ये क्या लिखा, नृप, नृप। तो आपको इस पर लाइन फेरना है ना, आपको इसको इसके ऊपर पेंसिल से लाइन करना अच्छे से और लिखना है इसको इसके ऊपर, है ना, नृप। फिर ये क्या लिखा है, कृषक, क्या लिखा है, कृषक, है ना, तो इसके ऊपर भी आप इसके ऊपर लिखना है आपको, है ना। फिर कृषि, क्या लिखा है, कृषि। फिर है वृक्ष, क्या लिखा है, वृक्ष। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल से इस पर लिखिएगा, ओके। अब ना प्रश्न नंबर 2, वर्णों में री की मात्रा लगाकर लिखो। आपको मैंने बताया था ना री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है और उसका उच्चारण हम री करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, क, तो हमने क में नीचे मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, क्री। क में री की मात्रा लगा दी नीचे ऐसे तो क्या बन गया, क्री। अब ये क्या लिखा है, ग, तो ग में नीचे मात्रा लगा दी, ग्री, क्या बन गया ये, ग्री। फिर प, तो प्री, प में री की मात्रा, प्री। फिर म, तो म में री की मात्रा, मृ, क्या बन गया ये, मृ। त, त में री की मात्रा, त्री। फिर द, तो द में री की मात्रा, द्री, है ना। आपको ये भी मेरे साथ साथ लिखते जाना है, क में री की मात्रा क्री, ग में री की मात्रा ग्री, प में री की मात्रा प्री, म में री की मात्रा मृ, त में री की मात्रा त्री,
और द में रिकी माता द्वी। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3, चित्रों के नाम लिखो। तो यहाँ देखिए किसका चित्र है, उनके हमें नाम लिखना है। जैसे ये कौन है, ऋषि। किसका चित्र है, ये ऋषि का है ना। तो हमने यहाँ क्या लिखा, रि ऋषि का बना के श में छोटी की मात्रा षटकोण में, तो क्या बन गया ये ऋषि, ऋषि। फिर ये किसका पिक्चर है, वृक्ष। तो व के नीचे रि की मात्रा और शशत्री का, तो क्या बन गया ये वृक्ष। फिर किसका चित्र है, मृग। कौन है ये, मृग है ना, मृग का। तो म में रि की मात्रा मृग, क्या बन गया ये मृग। फिर है कृषक, कौन है ये कृषक। तो क में रि की मात्रा कृषक, क्या बन गया ये कृषक है ना। चित्र हमने ऋषि का चित्र था तो क्या लिखा है यहाँ पे, ऋषि। फिर वृक्ष का चित्र था तो हमने क्या लिखा है यहाँ, वृक्ष है ना, वृक्ष का चित्र था। तो फिर मृग, क्या है ये मृग। फिर कृषक है ना, कृषक का चित्र था तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कृषक। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 4, इनके शब्द लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर दो बॉक्स बने हैं, एक में रि ऋषि का लिखा है और एक में रि की मात्रा लगी हुई है ना, दिखा आपको। ओके, तो अब हमको रि ऋषि से 3 शब्द बनाने हैं और 3 तीनों लाइनों में लिखने हैं और रि की मात्रा लगाकर भी शब्द बना के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, आपको इसमें से देख के अपनी बुक में फिल करना है। जैसे ऋषि से कौन कौन से बनता है, रि ऋषि से क्या शब्द बनेंगे, रि ऋषि का, तो हमने यहाँ लिखा ऋषि, रि और श में छोटी की मात्रा षि, तो क्या बन गया ये ऋषि। फिर रि से क्या बनेगा, ऋतु, क्या बनेगा ऋतु, तो हमने रि लिख के त में छोटे की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया ये ऋतु। फिर किस क्या लिखेंगे यहाँ, ऋषभ, क्या लिखेंगे ऋषभ, रि की मात्रा रि ऋषि का षटकोण का भ, तो क्या बन गया ये ऋषभ है ना। तो हमने ये 3 शब्द लिख दिए, अब हम रि की मात्रा से शब्द बनाएंगे है ना। तो जैसे यहाँ हमने क्या लिखा, वृक्ष, व में रि की मात्रा वृक्ष। ठीक है, फिर है कृषक, तो क में रि की मात्रा कृषक, क्या बन गया ये कृषक। फिर म में रि की मात्रा मृग, क्या बन गया ये मृग है ना। करा आपने सभी ने मेरे साथ, ऋषि, रि ऋषि से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ऋषि, ऋतु, ऋषभ, ऋक्ष, ऋचा है ना। तो हमने यहाँ पे 3 शब्द लिख दिए। उसी तरह से रि की मात्रा के भी शब्द बनते हैं, तो वो हमने क्या लिखा, रि की मात्रा लगा के व के नीचे लगाई वृक्ष, क के नीचे लगाई कृषक, म के नीचे लगाई मृग है ना। तो ये 3 शब्द बन गए। ठीक है, अब आप लोग ये अपनी बुक में फिल करिएगा और इसे साथ में कॉपी में भी करते जाना है। ओके,